देखो मेरी माँ गुस्से वाली है, अगर वो तुमको कुछ उल्टे सीधे बोले तो सहन करना, क्योंकि वो मेरी माँ है। हमने ये काम कर तो लिया, तुम्हें पता है पुराने ख्यालात होते हैं, और वैसे भी गुस्से वाली हैं, तो तुम थोड़ा बहुत अगर उल्टा सीधा बोले तो उनकी बातों को बुरा मत मानना। अगर थोड़ा बहुत गुस्सा करें तो उसको सहन कर लेना, और उल्टा जवाब मत देना, क्योंकि वो मेरी माँ है। भीड़ में निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा। ठीक है जी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। कर दिया वो काम जिससे मैं डर रही है, हैं? कटवा दी खानदान की नाक। नहीं बड़ा करा पाल पलोस करके, एक दिन तू ऐसा काम करेगा। इतना समझाया तुझे पर तेरी समझ में एक नहीं आई, हैं? डूब का मर जा कहीं नालायक, तेरे से तो मैं दुखी होली। शादी करिए इससे जो माला घेरे भगा के लेकर आया नालायक। अरे के करा तन्ने? माँ मैं इसे भगा कर नहीं, कोर्ट मैरिज करके ले गया हूँ। कर लेना तन्ने मन माननी, अभी से ले गेट से बाहर निकल जा, जरूरत नहीं है मुझे कोई से की भी। यहाँ तन्ने तो बिल्कुल ही बेइज्जती कर दी, रह डूब का मर जा नालायक को कहीं। चले तू भी खड़ी हो इस पे सर। ये देख रही है उसकी माई को, उससे डर लग रहा है मुझे, निकल बाहर चल। मैं नु कह रही हूँ खड़ी हो ले है सर, गेट से बाहर निकल जा। ये टुसक कर रही है यहाँ, इनसे डरने वाली ना हूँ क्या, आंसू भाग दिखा रही है। चल रहा था इसे निकल बाहर। सारी बिरादरी में थूथू करवा दी मेरी, हैं? मेरे इलाक की इज्जत तेने खाक में मिला दी। चले जाओ मेरी आँख खोका के सर, मत दिखा मुझे। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी, इनके लिए तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। मेरा आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही रह लूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, पर मैं इस घर के अलावा और कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, खा मेरे सिर की कसम, जैसा मैं कहूंगी वैसा करेगा तू। माँ तू जैसे बोलेगी मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। तो आज से ये तो जमीन पर सोवेगी और तू इस बेड पर सोवेगा। अगर मेरे बात के खिलाफ गया ना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। ठीक है माँ। ठीक है माँ जी। अभी इस पर कपड़े भी ना दिए, कमबख्त मारी पे झाड़ू भी लगने, पोछा भी लगना, और बर्तन भी पड़े हमने भी करने। ठीक है माँ जी अभी धो रही हूँ आके। एक काम में लगा दूँ उस भी अलची रहे, जड़ा कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे, कमबख्त मारी।
कद की लग रही है ये पोछा लगाना? सरक ले पीछे को सरक ले, ना तेरे टूट रहे घुटने जो तेरे पे सरकना जा रहा। ऐसा काम करेगी बिल्कुल जैसे इसका दम निकड़ रहा हो। खाने को एक तेरा नूना कहती है मैं ना खाऊं? सिर को तो ऐसा पकड़ रही है जैसे इसका सिर फट रहा हो। खावे इतना सारा जब दर्द ना होता सिर में, काम करती मेरी दर्द हो है तेरा। कम मखत मारी ना जन्म दुखी कर दिया। ना करना तो वैसी बता दे मैं खुद कर लूंगी। मेरे छोरा को और फंसा दिया, कोर्ट मैनेज कर लिया, उसका सीधे साधे का तन्न कर दिया दिमाग खराब। अब पता पड़ेगी तुझे मेरी महतारी जब तुझे सारे काम करने पड़ेंगे यहाँ। हाँ तुझे पता पड़ जाएगी सारी कि कैसे कोर्ट मैरिज करे। देखो महारानी कैसी आराम फरमा रही है। खड़े हो जा, रोटी का तेरा बाप या तेरी माँ पोगी यहाँ। भूख न लगी हमें कितना टाइम हो गया। वो माँ जी मुझे बुखार आ रहा है और सिर में दर्द भी हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ठंडी हुई पड़ी है, ठंडे बुखार चढ़ा है तुझे, बाहर न कर रही है। माँ जब तबीयत खराब हो रही है तो थोड़ी देर में बन जाएगा खाना। जा चला जा, चुप कर जा, बढ़ जा अपने कमरे में, कभी बुलाऊं तुझे फालतू। खड़ी हो जा, रोटी बना ले। सुनाई ना आई अभी? खड़ी हो, बना रोटी, चल। कम वक्त मारी तो गैस ही चली छोड़ गई, सब्जी जल रही है, आज बता दूंगी इस समय। आज बता दूंगी मैं क्या चीज हूं इसकी। ना रूबी कांप जा, मेरा नाम भी ऊषा नहीं। आज सुहा दूंगी तुझे। माजी छोड़ दो, कैसे बाहर न मार कर लौटे, छोड़ दो माजी। तेरा रोज
माँ छोड़, ये क्या कर रही है? ऐसा मारूंगी अभी कम्बख्त। पता नहीं माँ ऐसा क्यों करती है तेरे साथ। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरी माँ ने जो किया उसके लिए तू मुझे माफ कर दे। आज मेरी वजह से तुझे इतना जुल्म सहन करना पड़ रहा है। अब माँ को कौन समझाए? एक काम करते, अभी कुछ दिन की बात है, फिर हम यहां से चले जाएंगे, हम यहां नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, भगवान को जितनी भी परीक्षा लेनी है वो लेके रहेगा। देखती हूँ माँ मुझ पर कब तक जुलम करेंगी। आज बता दूंगी सर, इसकी भी मैंने धज्जी ना उड़ाई ना, तो मेरा नाम भी होसा नहीं। माँ यू तेरी अच्छी बात ना, ऐसी करती हुई तू अच्छी लग रही है। तू बताएगा मेरे को अच्छी बात कौन सी और बुरी कौन सी? यू घर मेरी मर्जी से चलता है, जो मैं चाहूंगी वो होगा इस घर में। जा अपना काम कर और सुन ले कान खोल कर, मुंह इसको बंद रखिए। हार चोरी हो गया घर में सही? किसने चुरा लिया? क्या बात हो गई? वही तेरी बहू। मेरी बहू? माँ वो बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकती। घर खा गया या मैं निकल गई उसे? माँ अगर तुझे यकीन ना हो ना तो उसके कमरे की तलाशी ले ले, और मिल जाए ना मुझे बता दियो। मुझे इतना विश्वास है ऐसा कर नहीं सकती बिल्कुल भी। ना कर सकती तो तलाशी लिवा फिर उसके कमरे। चल तो आ। अगर तेरे को मिल जाए ना तो मुझे बता दियो, मुझे विश्वास है इस पे, यू ऐसे काम कर नहीं सकती बिल्कुल भी। ढूंढ। वहां देख ले दराज में। खाने को तो इतना भर दे ऐसे सब ला ला के। अरे मां ना है ना है। देख यू लिखड़ा के है यू, ऐसा विश्वास करो बैठा इस पे, ये यू ना करे ऐसी सॉरी है पाप पसार के। के है यू, मैं नू कह रही हूं मिला ना मिला। अब के है इससे बूझना, बूझ इससे कैसे चोरी करी इसने मेरे घर में। सुनो जी, तूने ये क्या कर दिया? चंद रुपये को लिए तूने हमारे घर में चोरी करी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इससे भी बड़ा हार दिलवा देता, एक बार तू बोलती तो सही। ये चोरी मैंने नहीं करी, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, मैं
ये चोरी नहीं की, मैं अपने घर में चोरी कैसे कर सकती हूँ? तुम तो मुझे जानते हो और मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। चल ठीक है। तो भाई, मैं तेरे दौरे एक काम के लिए आई हूँ। क्या काम है माता जी? मुझे अपनी बहू अपने घर से निकालनी है। आपका काम हो जाएगा। बोल कितने पैसे लगेंगे? पैसे लगेंगे 10,000 रुपए। 10,000? ले पकड़ 10,000 की गड्डी और 10 की जगह तू 20 ले। काम हो जाना चाहिए, पर काम हो जाना चाहिए। माता जी आपका काम हो जाएगा। आज तो पार्टी है। यू ही है। ठीक है माता जी, ठीक है, आप निकलो। गेट बंद कर लिए। राहुल? हाँ माँ। आज दुकान पर कैसे आ गई? घर चल, तू वहीं चल कर बताऊंगी। क्या बात होगी? तुझे पता पड़ जाए आगे चल लेंगे। चलो तू। कौन था? कौन आदमी? तू ये ड्रामा करके ना मुझे मत दिखा। खड़ी हो, मुझे आज सच सच बता दे, वो आदमी कौन था जो तेरे कमरे से निकल के गया? मुझे सच में नहीं पता वो आदमी कौन था। आज तुझे बतानी होगी, आज तुझे बताना होगा कि वो आदमी कौन था। मुझे सच में नहीं पता वो आदमी कौन था। आज सच सच बता दे, वो आदमी कौन था? मुझे सच में नहीं पता। और उस दिन भी तू नहीं चोरी करी है, माँ सच बोलती थी। कितना विश्वास किया मैंने तुझ पे, पर तूने एक पल में ही सारा विश्वास तोड़ दिया। क्या इसलिए मैं तेरे को यहाँ लेकर आया था कि तू ये काम करे? छी, मुझे शर्म आती है कैसे बात करते हुए। मैंने कोई गलती नहीं की। और मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुझसे कोर्ट मैरिज करी। मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए था, मुझे शर्म आती है आज तेरे को अपनी बीवी बताते हुए। मैं तेरी शिकल बिल्कुल नहीं देखने जाता, निकल जा इसी वक्त मेरे घर से। भाई तू ये क्या कर रहा, तू पागल तो नहीं हो गया? गलती इनकी नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? गलती माँ की है, माँ की। मैं आज तो ये सच्चाई बताता हूँ। अब तो तुम्हें सच्चाई का पता लग गया। मैंने ना आज माँ को कुछ पैसे ले जाते हुए भी देखा था बाहर। हो सकता है कि माँ ने ही उसे पैसे दे के भेजा हो। तू मुझे माफ कर दे। तुम मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। मैंने तुझ पे इतना अत्याचार करा, बिगर सोचे समझे तुझे इतना मारा, पर माँ माँ को जरा सी भी शर्म ना आई ऐसे काम करते हुए। कम से कम कुछ तो सोचती तेरे बारे में। पर एक बात ठीक है, आज के बाद हम इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। तुम सही कह रहे हो भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मुझे भी इस घर में नहीं रहना। चल। अच्छा माँ मैं चल रहा हूँ। ना बेटा तू कहाँ जाओगा? मुझे तू माफ कर दे, मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। ना बेटा तू ना जाओगा, तू यहीं रह।
माँ अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दे। ना, तू समझाना इसे कहाँ जा रहा है। माँ तेने अच्छा नहीं करा, मैं भी भैया के साथ ही जाऊँगा। अब तू भी जा रहा है इसकी गैल। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। ना मेरे बच्चे तू मत जावे। बेटी मुझे माफ कर, मेरे बच्चों को लेकर मत जा कहीं भी। माँ जी तुम हाथ मत जोड़ो, मैं तो मर जाऊंगी इनके फिकर। मैं अपनी माँ जी के साथ रहूंगी, तुम लोग भी मत जाओ। बेटा अब तो इसने मुझे माफ कर दिया, अब तो तू रुक जा। अब मैं ऐसी गलती कभी ना करूं। मुझे अपनी गलती पे पछतावा रहा। राहुल बेटा मान जा, मत जा। मैं बेटा मर जाऊंगी तुम दोनों के बिगर। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जुग जुग जियो मेरे बच्चों।